आज हम एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रेस पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रेस, एक ट्रायंगल पे एक ऊपर का जो एक लोड लग रहा है, उस लोड लगने टाइम पे इस मेंबर पे कितने कंप्रेस हो रहे हैं, कितने टेंशन हो रहे हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ सिंपल ट्रेस। इसका एप्लीकेशन हम ब्रिज बनाने के लिए, स्पेस स्टेशन, टावर, बड़ा बड़ा बिग टावर्स होता है उसमें सारा ट्रायंगल शेप में बीच में मतलब एक फ्रेमवर्क रेक्टेंगल से होता है उसमें ट्रायंगल कर देते हैं। जब ट्रायंगल होता है उसमें फोर्सेस डिवाइड होता है, तो एक ट्रायंगल है जहाँ एक लोड लग रहा है, इस लोड को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, जहाँ भी डिवाइड होता है, तो ऐसे डिवाइड होगा तो इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए हम हर जगह ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल यूज़ करने टाइम पे इसमें कंप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, या अच्छा ज्योमेट्रिकल शेप है, वो सब कुछ देखने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो एरोप्लेन में भी विंग्स के अंदर जो ट्रेस हम यूज़ करते हैं, बहुत सारा ट्रेस यूज़ करते हैं विंग्स के अंदर, तो ये फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड्स है, एक मेथड्स ऑफ जॉइंट्स, दूसरा मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा ग्राफिकल मेथड। तो अभी मेथड्स ऑफ जॉइंट्स पे देखेंगे। मेथड्स ऑफ जॉइंट्स पे एन इज इक्वल टू 2j-3। एन का मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, जे मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स। इसमें मेंबर का मतलब ये मेंबर है, ये एक मेंबर है, एक मेंबर है, एक मेंबर है, एक मेंबर है। जॉइंट मतलब एक जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, फोर्थ जॉइंट। तो एन इक्वल टू 2j-3, इस फॉर्मूला पे नंबर्स और नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स दोनों इसमें डाला जाए तो वो दोनों इक्वल होगा तो ये परफेक्ट फ्रेम है। जो ऐसी परफेक्ट फ्रेम होता तो वो ज्योमेट्रिकली बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमेशा हम परफेक्ट स्ट्रेम में यूज़ करते हैं। रिडंडेंट स्ट्रेफ मतलब नाम एन का ज़्यादा होता है, जे का कम होता है। डेफिशिएंट फ्रेम मतलब एन से जे ज़्यादा होता है, 2j-3 इस तरफ ज़्यादा होता है। तो मेथड्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ने के पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सब कुछ होता है। तो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इस दुनिया पे जितना भी ट्रायंगल है वो सब 180 डिग्री के अंदर ही है। तो आप पॉइंट आउट करने टाइम पे ए बी सी ऐसे कहीं पे भी ऐसे कर सकते हो, ए बी सी, तो ए के अपोजिट पे आप ए माना पड़ता है, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट। तो उसके बाद सेकेंड रूल, साइन रूल, थर्ड रूल, कोसाइन रूल, इस तीन रूल हम इसमें भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो साइन रूल ए बाई साइन ए बाई बी बाई साइन बी बाई सी बाई साइन सी, जो ए बी सी जो कैपिटल होता है वो एंगल को मेंशन करता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेंथ को, मेजरमेंट को मेंशन करता है। तो हम इस फार्मूला को हम ऐसी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही फार्मूला है। तो कोसाइन रूल में ऐसी होता है, ये सब कुछ है कोसाइन रूल का फार्मूला है, पर हम ये दो ही हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादा। तो अभी मेथड्स ऑफ जॉइंट्स देखेंगे। मेथड्स ऑफ जॉइंट्स पे क्वेश्चन ऐसी पूछ सकते हैं, एक ट्रायंगल देता है, दो एंगल दिए जा रहा है, एक मेजरमेंट भी दिया है 8 मीटर इसका, तो ऊपर का 16 किलो न्यूटन लग रहा है, तो इस मेंबर पे कितने लोड लगता है, वो कंप्रेशन होता है या टेंशन होता है, वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पे पूछता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इस सारा एंगल वो सारा मेजरमेंट फाइंड आउट करें, तो इसी से आसन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पीछे का जो पता है साइन रूल वो हम इसमें डाल सकते हैं, इसमें हमको ये पता नहीं है,
मतलब ये जो ए का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये निकालना है, तो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, क्योंकि सी साइन सी ये दोनों हमको पता है, तो ये बाई साइन ए वहाँ गया, तो सी का वैल्यू 105 डिग्री, सॉरी सी का वैल्यू 8 मीटर, एंड साइन सी का वैल्यू साइन 105 डिग्री, साइन ए का वैल्यू 45 डिग्री। इसमें डाला है तो आपको ये आंसर मिल जाता है। बी में भी ऐसे करते हैं, दो एंगल अगर दिया तो 45 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 45 प्लस 80 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस तरफ गया तो हमको सी का एंगल मिल जाता है पीछे का फर्स्ट फॉर्मूला। तो हम ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, तो ए का मेजरमेंट भी आ गया, बी का मेजरमेंट भी आ गया। तो हम रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस लेंथ हमको चाहिए, तो इसके लिए हम इसका लेंथ भी फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर दिया, इस सेक्शन को हम नीचे कर दिया, नीचे करें तो ये तो पता है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ हम 90 डिग्री है क्योंकि हम आधा दिया, इसमें 90 डिग्री होगा, ये दो एंगल पता चला तो तीसरा एंगल निकाल सकता है, मैं यही निकाल रहा था, तीसरा एंगल 60 डिग्री आता है। तो इस डिस्टेंस मेरे को जाना है, तो मैं फार्मूला डाल के सी निकाल दिया, सी 5.05 मीटर है, इस तरफ 3 मीटर है, तो मैं आर ए निकाल रहा हूँ, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर ए इंटू फुल लेंथ 8 माइनस ऊपर का 16 इंटू यहाँ से कितने लेंथ 5, तो वही एंगल का आर ए इंटू 8 माइनस 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, आपको ये आंसर मिल जाता है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16, दोनों फोर्स इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स है, तो आर ए पता है, आर बी आंसर आ जाता है। फिर भी मेरे को अगर डाउट लगेगा तो आप आर बी के लिए भी अलग से निकल सकते हो रिएक्शन फोर्स। तो हम जॉइंट ए पे ले रहे हैं, तो जॉइंट है यहाँ है, तो जॉइंट ए मतलब जॉइंट ए पे कितने भी नंबर जुड़ा हुआ है जॉइंट ए, वो हम अलग से निकाल देना है, यहाँ अलग से निकाल दिया, तो यहाँ का फोर्स एफ ए टू सी जा रहा है, यहाँ का फोर्स ए टू बी जा रहा है, ऐसे मान लिया फोर्स ए सी फोर्स ए बी, एंगल तो पता है, रिएक्शन फोर्स है। तो एक मेथड है वो फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए हम आईसी बनाना है, फॉर एग्जांपल आईसी है तो इसके सीधे ऐसे कर दिया, यहाँ नीचे का है यहाँ ऊपर का कर दिया, तो यहाँ 45 डिग्री आता है, तो यहाँ का एफ ए सी जो एफ ए सी यहाँ होता है, मैं यहाँ एफ ए सी, तो ऊपर का भी एफ ए सी नीचे का भी एफ सी आता है, यहाँ डिग्री है एंगल है, तो एफ ए सी कॉस 45 डिग्री, यहाँ एफ ए सी साइन 45 डिग्री, तो इसमें हम जॉइंट्स दो तरफ निकालना है, तो एक वर्टिकल टोटल वर्टिकल इक्वल टू 0, इसमें वर्टिकल फोर्स आर ये होता है और वर्टिकल नहीं है, यहाँ एफ ए सी साइन 45 डिग्री, तो यहाँ डाल दिया, ऊपर का जो फोर्स है पॉजिटिव करना है, नीचे का जो फोर्स है वो नेगेटिव है, राइट का जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट का जो फोर्स है वो नेगेटिव है, यही हम लिख दिया था इसे, तो एफ ए सी का वैल्यू मिल जाता है। एफ ए सी का मिलने के बाद इसमें सीधे डाल के एफ ए बी भी निकाल सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ देख रहे तो यहाँ से एक फोर्स है यहाँ से एक फोर्स है, मैं यहाँ ऊपर कर दिया दोनों का, हम दोनों का नीचे भी कर सकते हो, एक ऊपर एक नीचे भी कर सकते हो, पर यहाँ यहाँ एफ ए सी नेगेटिव पे साइन आया, नेगेटिव पे साइन आया तो मैं जो यहाँ किया वो गलत है, एफ ए सी क्या है मैं ऊपर का किया, पर यहाँ ऊपर नहीं जा रहे नीचे का फोर्स आ रहा है, तो मैं नीचे का फोर्स मतलब इस पॉइंट से कंप्रेशन हो रहा है, तो मैं ऊपर मेंशन कर दिया नीचे का जा रहा है कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ ऊपर का एक लोड लगा तो ये नीचे ही फोर्स ज़्यादा लगता है, तो यहाँ कंप्रेस हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ एफ ए बी इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, मतलब मैं जो सोचा वो सही है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दिया, टेंशन
स्पाइंस के अंदर गया तो कंप्रेशन, बाहर गया तो टेंशन, अभी टेंशन है इस तरह। तो हम इस पॉइंट में निकालने में ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, तो हमको यही चाहिए। तो इस पॉइंट इसको आधा करके हम बाहर कर रहे हैं, तो यही पर FBC ऊपर का फोर्स लग रहा है तो नीचे ये होता है, फोर्स नीचे ही आता है, तो मैं नीचे कर दिया FBC, यहाँ FBA कर दिया, यहाँ भी कर सकते हो ICB। तो इसका एंगल है ऐसे कर दो, इसके लिए सीधे यहाँ का नीचे यहाँ का ऊपर ऑपोजिट आता है 30 डिग्री। तो ये FBC होता है, ये FBC cos 30 डिग्री होता है, FBC sin 30 डिग्री होता है। मैं ऊपर यही ये ऐसे किया था। तो एक मेथड है ये फाइंड आउट करने के लिए, इस मेथड का नाम भूल गया मैं। तो इसमें भी वर्टिकल फोर्स इसको जीरो कर रहा है, इसमें वर्टिकल फोर्स आर भी है यहाँ से नीचे, वो ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, फाइनल आंसर 12 किलोमीटर आ गया। मतलब मैं नीचे का सोचा है वो सही है, यहाँ किया FBA। फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ये कर दे या फिर भी फाइंड आउट करके रखा है, फिर भी मैं सही या गलत वो फाइंड आउट करने के लिए मैं फिर से ऑरिजिनल फोर्स इसको जीरो करके फाइंड आउट कर रहा हूँ। माइनस FBA प्लस FBC ऑरिजिनल फोर्स माइनस FBA क्योंकि लेफ्ट जा रहा है, प्लस FBC FBC cos 30 डिग्री। तो माइनस पे आ रहे वैल्यू, माइनस पे आ रहे मतलब मैं जो सोता है वो गलत है, तो इस तरफ आना चाहिए। वो पहले ही फाइंड आउट कर दिया, वो इस तरफ ही आ रहा है। तो यही मेथड्स ऑफ जॉइंट्स पे, यही बेसिक। थैंक यू।